तो भाई साहब, फाइनली टाउन हॉल 15 आ चुका है और मेरे पास देखो दुनिया भर का माल पड़ा है। गोल्ड देखो, एलिक्सर देखो, और भाई साथ में देखो डार्क एलिक्सर कितना है, समझ रहे हो, धनवान एकदम। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, आईडी अपनी एकदम 100 की रफ्तार से अमीर है। तो यहाँ पे भी हमारे पास हर एक सिंगल बुक वुक हथौड़ा पतौड़ा सब कुछ है, सारी चीजें लगा देंगे। और साथ ही साथ भाई, जब टाउन हॉल नया टाउन हॉल आता है ना, तो दुनिया भर के ऑफर्स भी आते हैं। इन ऑफर्स का भी देखेंगे हम क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं टाउन हॉल 15 की तरफ। किस चीज से अपग्रेड करूं इसको? इसको मैं बुक से अपग्रेड करूंगा। लो 1 2 3 4 पापा मोगेम्बो गो। लो भाई साहब, मार्केट में टाउन हॉल 15 की एंट्री हो गई है जबरदस्त तरीके से, और हमको बूस्ट भी मिला है 5 दिन का। चलो जी, पहला काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, उसके बाद जो अपग्रेड है, उस अपग्रेड को जब हम समझें तो लेबोरेटरी को ढूंढना पड़ेगा। अब लेबोरेटरी को पता क्यों ढूंढना पड़ेगा? अगर हम रिसर्च करें तो हम अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन को अपग्रेड करने के लिए हमको नई लेबोरेटरी मांग रहा है ये भाई साहब। पहले से ही सोच के रखा था, लेबोरेटरी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और मेरे पास अभी क्या क्या चीज़ है वापिस से देख लेता हूँ। बुक ऑफ एवरीथिंग है, तो बुक ऑफ एवरीथिंग को इस्तेमाल करेंगे हम लैब के ऊपर। ठीक है गाइस, ये भी हो गई अपग्रेड, लेबोरेटरी हो गई। अब हम रिसर्च में इलेक्ट्रो ड्रैगन को डालेंगे। ओ, पैसा कम पड़ गया। अरे पैसा कम पड़ गया तो गाइस, क्लैन कासल कहाँ है? मेरा ट्रेजरी में लूटा है, बारा भरा पड़ा है भाई, सब कुछ भरा पड़ा है। तो रिसर्च में जाएंगे और इसको अपग्रेड पे लगाएंगे और तुरंत बुक का इस्तेमाल करेंगे। लेवल 6 के इलेक्ट्रो ड्रैगन का स्वागत करेंगे मार्केट के अंदर। अब मैं अपने ट्रूप्स देखूं जो मेरे लिए काम के हैं या स्पेल्स काम की हैं। वो है सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉल, स्पॉल नहीं स्पेल, पॉइजन। पॉइजन सबसे इंपॉर्टेंट स्पेल है, तो पॉइजन को अपग्रेड पे लगाएंगे और यहां पे भी बुक का इस्तेमाल कर देंगे। भाई पैसा बहुत है पर डार्क कम हो गया है। ट्रेजरी में से थोड़ा सा खींच लेते हैं डार्क, उसके बाद भी कम है। क्या हम कुछ अपग्रेड कर सकते हैं अपने काम की चीज इतने डार्क में? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ना ही हमारे पास अब एलिक्सर बचा है। अभी हमारे पास ना गाइस कुछ गोल्ड बचा हुआ है, और ये गोल्ड कहां पे काम आ सकता है? डिफेंसिस में चलते हैं। 12,60,000 का स्पेल टावर उतरेगा, एक उतार लेते हैं भाई, इधर लगा देते हैं इसे खोपचे में। 12 दिन 14 घंटे का टाइम ले रहा है, इसको अभी जैम मारने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। 9,000 जैम्स भी हालांकि पास मेरे पास अभी हथौड़े पथौड़े बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमारे पास गोल्ड भी खत्म हो गया है, और डिफेंस के नाम पे अभी 2 डिफेंसिस और बचे हैं। कोई मोनोलिथ 2,70,000 एलिक्सर, और नहीं डार्क एलिक्सर मांग रहा है ये, और 12,60,000 स्पेल टावर मांग रहा है। चलो जी, इसको भी देखते हैं। एक बिल्डर लगाने के बाद गाइस 4 बिल्डर हमारे पास बचे हैं। कुछ मैजिक आइटम्स भी अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, जैसे कि एक बुक ऑफ हीरोज बची है, गोल्ड बचा है, एलेक्जर बचा है, रून ऑफ डार्क बचा है, और सारे के सारे अभी हथौड़े बचे हैं। हथौड़ों का इस्तेमाल मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। वैसे हम कर सकते हैं, एक दो चीज का इस्तेमाल तो कर ही लेना चाहिए। ट्रूप्स में से तो कुछ अपग्रेड करने की बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन हील स्पेल, जंप स्पेल और जैप में से अगर मैं कोई स्पेल यूज करता हूँ तो वो मैं यूज करता हूँ बैट स्पेल। बट बैट स्पेल को अपग्रेड करने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा बैट बढ़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको करूँ। एक तो मेरे को ट्रूप अपग्रेड करना है ना, और एक अपग्रेड करना है स्पेल। तो ट्रूप अपग्रेड कर देते हैं गाइस गोलम, क्योंकि गोलम काम आता है मेरे गोलम एवलांच के अंदर, विच इसको मैं कम ही इस्तेमाल करता हूँ, और एक आधा छोटा मोटा स्केलेटन कम भी निकालेगी तो चल जाएगा, सह लेंगे उसको। ठीक है भाई, अब हमारे पास बची एक हथौड़ा। एक हथौड़ा कहाँ पे लगाऊँ? 3 4 स्पेल। जंप तो कोई काम की नहीं है, हील में 200 का वो हो रहा है और 100 का 10 का ये हो रहा है। जैप तो मैं बिल्कुल नहीं मारता हूँ। एक काम करते हैं, हील को अपग्रेड कर लेते हैं गाइस। अब हमारे पास क्या क्या बचा? एक हमारे पास हीरोज का भी हथौड़ा बचा हुआ है, हीरोज के हथौड़े को क्वीन पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो क्वीन हमारी 81 लेवल की हो जाएगी। हैमर ऑफ हीरोज तो मैं खरीद सकता हूँ, हैमर ऑफ फाइटिंग मैं खरीदूंगा नहीं, हैमर ऑफ स्पेल भी मैं खरीदूंगा नहीं,
हैमर ऑफ बिल्डिंग और हैमर ऑफ हीरोज, बस दो बिल्डर दो ही हमको खरीदने हैं। और एक और हमने अगर क्योंकि हथौड़ा ले ही लिया है तो इस हथौड़े को वापस से क्वीन पे मार देते हैं। क्वीन हो गई हमारी 82 लेवल की। सबसे पहले हम क्वीन को अपग्रेड करेंगे, उसके बाद वार्डन को करेंगे, उसके बाद आरसी को करेंगे और लास्ट में करेंगे हम किंग को अपग्रेड। एक भी दिन के लिए सुलाएंगे बुलाएंगे नहीं हीरोज की, या तो हम इनके ऊपर हथौड़े मारेंगे या फिर हम इनके ऊपर बुक्स लगाएंगे। सुलाने का कोई काम नहीं हीरोज को। अब इस्तेमाल करने का टाइम आ गया गाइस हैमर ऑफ बिल्डिंग को। हैमर ऑफ बिल्डिंग को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वर्कशॉप पे, वो नई वाली मशीन मिल जाएगी हमको अगर हम अपग्रेड कर देते हैं। कौन से वाली नई मशीन है ये? सीज मशीन, जो भी इसका नाम है, बैटल ड्रिल। अभी मेरे को किसी काम की नहीं लग रही है इसलिए मैं इसको अपग्रेड नहीं कर रहा गाइस। लेकिन ये इलेक्ट्रो ड्रैगन देख लो आप, इनका जो नया रूप लग रहा है, इनके नए रूप के साथ एक बलून बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है। इसलिए हम अपग्रेड करेंगे अपने आर्मी कैंप को। एक लेवल अपग्रेड हो गया जिससे क्या हो गया, हमारे बलून्स की संख्या बढ़ गई, दो बलून और बना लेते हैं। उसके बाद वापस से हम जाते हैं खरीदने के लिए हैमर ऑफ बिल्डिंग को ही। हैमर ऑफ फाइटिंग और हैमर ऑफ स्पेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। मैं कहूँगा आप भी मत लेना, ये वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया। आप हैमर ऑफ बिल्डिंग लो और हैमर ऑफ हीरोज लो। यहाँ पे आप अपने इस्तेमाल करो मेडल्स को और यहाँ पे वापस से अपग्रेड कर देते हैं। दो लेवल बढ़ गए हैं हमारे, यानी कि दो आर्मी कैंप अपग्रेड करने और बाकी बचे हैं। अभी हमारे पास चार बिल्डर और काम पे लगाने के लिए बचे हैं, बट हमारे पास गोल्ड और एलिक्सर सब कुछ कम कम है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे एक एलिक्सर स्टोरेज को अपग्रेड पे। और दूसरा तो अभी हम कुछ अपग्रेड कर नहीं सकते हैं, तो अब हम एक बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम पता है क्या? नए इलेक्ट्रो ड्रैगन का चेकअप, कितना दम है इनके अंदर, आइए चेक करते हैं। टाउन हॉल 15 मिल गया और टाउन हॉल 15 इसका सीधा अपग्रेड पे है। अच्छी खासी लूट है इसलिए मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ ताकि एक आधा बिल्डर और काम पे लगाया जा सके और थोड़ा सा चेकअप भी हो जाएगा अपने नए इस इलेक्ट्रो ड्रैगन का, जो कि हमारा लेवल 6 का। किंग क्वीन भी हमारे मैक्स लेवल है, 85 85, वार्डन भी सब कुछ मैक्स है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, दिक्कत हो गई है। तो देख रहे हो गाइस इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का डैमेज, देख रहे हो आप, खाल तार डैमेज देख रहे हो इनका। हुक के अंदर दम बढ़ गया इलेक्ट्रो ड्रैगन की अब, और ऐसी फूकी तो चाहिए मुझे, मुझे और चाहिए ही क्या। किंग भी हमारा 85 लेवल का चल रहा है मार्केट में। आसानी से बेस की खाल उतारी जाएगी भाई। अभी भी मेरे 3 4 5 6 इलेक्ट्रो ड्रैगन बचे हुए हैं 8 में से। हालांकि इसका टाउन हॉल अपग्रेड पे था, अगर भाई ना भी होता ना तो भी कुछ ना उखाड़ पाता। शुरू में तो रिमांड बहुत चलेगा नए इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ। और जल्दी जल्दी से वापस से अपनी आईडीज को अपग्रेड किया जाएगा यहां से। इसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको इस अटैक के तुरंत बाद। जरा ये अटैक ख़त्म हो जान दो, अरे हो जा मरमुरा जा, हो जाएगा गाइस 1.5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट, ज़्यादा देर लगी नहीं है। और थोड़ी सी तिजोरी हमारी भर गई है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। अब आपको सबसे पहले वापस से अपने होम विलेज पर जाना है। 42 लाख का हमको यहाँ पे ये मिलेगा, क्या कहते हैं, बोनस। इस बोनस को ट्रेजरी में से वापस बाहर निकालेंगे, बिल्डर्स को काम देंगे, एक बिल्डर को खाली रखेंगे। बिल्डर्स को काम क्या देना है, बिल्डर्स को काम दे देते हैं। एक हमने लगाई है ये अपग्रेड पे, तो एक लगा देते हैं इसको अपग्रेड पे गाइस। ठीक है गाइस, 2,31,000 हमारे पास डार्क है। क्या कोई डार्क का ट्रूप अपग्रेड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी गाइस हमारे पास ना दो बिल्डर खाली बचे हैं, एक बिल्डर को तो हमेशा खाली रखना, उसको काम पे लगाना नहीं है। तो अभी पता क्या करते हैं, इसको फुल कर लेते हैं। हालांकि हमारे पास 50 लाख पहले से ही था, पर फुल कर ही लेते हैं क्योंकि हमने को ना ये भी चाहिए स्पेल टावर। ठीक है, दूसरे वाला इसको इधर लगा देते हैं, ये भी लग गया काम पे। और इतनी कुछ आईडी हमारी अपग्रेड हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें भी हमारे पास और बची हुई हैं। लेकिन अगर आप अब इस वीडियो पर 10,000 लाइक हिट करते हो तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ और ज़्यादा पैक्स खरीद लूँगा। जैसे एक पैक खरीद लूँगा इसे अपडेट मेगा पैक, जिसमें 5 बुक ऑफ बिल्डिंग्स हैं,
पांच बुक ऑफ हीरोज हैं और दो बुक ऑफ एवरीथिंग है। इससे पहले वाला जो गाइस ये पैक है ये किसी काम का मेरे को लग नहीं रहा। गोल्ड और एलिक्सर और डार्क एलिक्सर ये तो गाइस हम लूट कर करके जोड़ लेंगे। उसके आगे वाले पैक पे चलते हैं तो गाइस ये भी हमें रून वून ये सब तो चाहिए नहीं, ये भी बेकार सा पैक लग रहा है मेरे को, काम का नहीं लग रहा मेरे काम का। ये वाला पैक एक अच्छा है गाइस, जो बुक ऑफ एवरीथिंग, बुक ऑफ बिल्डिंग, बुक ऑफ फाइटिंग, बुक ऑफ स्पेल, इसको भी खरीद लेंगे और साथ में खरीद लेंगे गाइस इसको भी, बुक ऑफ हीरोज वाले लास्ट पैक को भी। एपिक मैजिक सीनरी और ये सब मैजिक किंग इन सब की बात करेंगे गाइस अगली वीडियो में, अगर आप 10,000 लाइक इस वीडियो पे हिट कर देते हो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं लोगों से बहुत जल्दी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।